हेलो फ्रेंड्स, रेसलिंग जॉय में आप लोगों का स्वागत है। डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर बेथ फीनिक्स एनएक्सटी को गुड बाय बोलने वाली है। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में उन्होंने ये अनाउंस कर दिया। 5 दिसंबर एनएक्सटी वार गेम पेपर व्यू में कमेंट्री उनका लास्ट ड्यूटी होगा। फीनिक्स लगभग 3 साल में 135 एपिसोड एनएक्सटी के साथ बिताई है। एनएक्सटी 2.0 हिस्टोरिक लॉन्च के दौरान भी वो प्रेजेंट थी। हालांकि आपको बता दें, बेथ फीनिक्स 4 बार डब्ल्यूडब्ल्यूई में सिंगल चैंपियन बनी थी। डिवास चैंपियन भी उनके नाम है। उन्होंने रिवील कि अब वो फैमिली को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहती है, लेकिन रूमर्स चल रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एज फिनिक्स वर्सेस मीज मर्सी के बीच एक जबरदस्त मैच का प्लानिंग कर रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने ऑफिशियल वेबसाइट में अनाउंस कर दिया है कि अब वो कॉलेजिएट एथलीट्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करने का मौका देंगे। इन टैलेंटेड एथलीट्स को कंपनी में लाने की तैयारी शुरू कर दिया है। रेसलर गैवेल स्टीवेंसन इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। इस प्रोग्राम में साइन हुए एथलीट्स को अच्छा खासा तनख्वाह मिलेगा। ट्रेनिंग के साथ साथ वो स्टडी को भी कंटिन्यू कर सकेंगे। नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच होगा बेकी लिंच और लिव मॉर्गन के बीच, लेकिन इस मैच का स्पॉइलर सामने आ चुका है। अकॉर्डिंग टू wrestlingnews.com द मैन बेकी लिंच न्यू ईयर के न्यू डे में अपना टाइटल डिफेंड करेगी। और तो और 26 दिसंबर MSG में होने वाले लाइव इवेंट के दौरान भी बेकी को ही रॉ में चैंपियन दिखाया गया। इसका मतलब नेक्स्ट वीक के मैच में द मैन के पास ही उनका टाइटल होगा।